ना आपको डेयरी फार्मिंग करनी है, ना पूरा पशुपालन करना है, ना कोई बड़ी सी जगह रेंट पर लेनी है। आपको ऑलमोस्ट मार्केट में वो कोई सा भी सिस्टम फॉलो नहीं करना है जो कि एक सबसे बड़े फनल में आपको लेकर जाके फंसाए। क्या आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं मिल्क इंडस्ट्री में? तो इस वीडियो में मैं आपको डिकोड करने वाला हूं कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कोई डेयरी प्लांट लगाकर, कोई मवेशियों को पालकर, साथ ही आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पर जाना चाहते हैं, पैकेजिंग करना चाहते हैं, तो किस तरह का मॉडल आपको बनाना चाहिए मिल्क इंडस्ट्री में। भारत में आज के समय 20% ही एक ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये, जहां पर आज मदर डेयरी, अमूल, सरस इस तरह के प्रोडक्ट्स पैकेजिंग में जा रहे हैं। आज भी 80% मिल्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या मिल्क का रॉ प्रोडक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिक रहा है। तो अगर आज आप इस सेक्टर में आते हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट लेवल है आपके लिए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बिजनेस को डिकोड करूँगा और कैसे यहाँ पर आपको जो बिजनेस में सफल हुए हैं इस इंडस्ट्री में उनके एग्जांपल्स आपको देता चलूंगा कि आखिर उन्होंने कैसा फॉर्मूला अपनाया, किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस बनाया है। कई स्टूडेंट्स मेरी एकेडमी में हैं जो कि मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और मिल्क को आज के समय ब्रांड बनाकर अपना बिजनेस बना रहे हैं। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में अपना बिजनेस बनाना है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं मिल्क इंडस्ट्री का आउटलुक। जो मैंने आपको रेशियो बताया कि आप किस तरह से यहाँ पर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी पर आ सकते हैं, उससे पहले इस आउटलुक को समझ लीजिए कि आज मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पैकेज होकर तो आपको मिल रहा है, बट इसकी जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग है वो हमारे घर पर, वो हमारे विलेजेस में सब जगह अवेलेबल है। जैसा देखा जाए मिल्क तो सब जगह अवेलेबल है। बात क्या आती है? बात आती है इसकी पैकेजिंग की, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इस इंडस्ट्री में कई तरह के मॉडल्स आज के समय कंपनीज, बिजनेस एंटरप्रेन्योर और नए नए लोग अपने हिसाब से अपना बिजनेस बना रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, एक तो हो गया ब्रांडेड मिल्क को पैक करके बेचना, जो कि लार्ज स्केल पर आज डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स कर रहे हैं। सेकेंड लेवल हो गया, आपको अपने मवेशी पालने हैं, चाहे आप गायों को लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बफेलोज लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आप अपना एक डेयरी फार्मिंग से अपना मिल्क का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के सेटअप पर आपका इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने कई वीडियोस और कई बिजनेस एंटरप्रेन्योर से मैं मिला हूँ जिन्होंने ये पूरी जर्नी शेयर करी है, जैसे आपको इस थंबनेल पर दिखाई दे रहा है। मेरे ही वन ऑफ क्लाइंट हैं जिनका आज खुद का डेयरी फार्मिंग भी है और अपने मिल्क के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट आज के समय आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं। उसी तरह से लगभग 5 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना शुरू करा था और पहला वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड करा था। उस वक्त एक डेयरी फार्मिंग पर मैं गया था, तो मैंने क्या देखा था वहाँ पर, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, ये भी मैं अभी आपको वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो थर्ड लेवल पर जो आपका डेयरी फार्मिंग के अलावा जो बिजनेस आपका बनता है वो होता है जहाँ आप मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक दूध वाला घर पर आपके पैकिंग के बिना दूध सप्लाई करने आता होगा और ये हमने हमेशा ट्रेडिशनल एक मिल्क सप्लायर को देखा है अपने घरों के आसपास। इसी में डिस्ट्रीब्यूशन का अब नया तरीका आ गया है। अब आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन के खुद आप अपने मिल्क को पैक करके मार्केट में लैंड कराते हैं और यहाँ पर आपका जो फोर्थ लेवल पर, बॉटम लेवल पर जो बिजनेस बनता है, ना आपको डेयरी फार्मिंग करनी है, ना पूरा पशुपालन करना है, ना कोई बड़ी सी जगह रेंट पर लेनी है। आपको ऑलमोस्ट मार्केट में वो कोई सा भी सिस्टम फॉलो नहीं करना है जो कि एक सबसे बड़े फनल में आपको लेकर जाके फंसाए। आपको बिजनेस के बॉटम ऑफ द फनल को फॉलो करना है, जहां से आप एट द एंड अपने बिजनेस को बनाने के लिए स्टार्टिंग कर दें। तो अगर आप मिल्क इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले हम इंडस्ट्री की आउटलुक को समझ रहे हैं, लोग कैसे कैसे प्रोफाइल में करते हैं काम। तो फर्स्ट हो गया एक मिल्क ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, सेकेंड हो गया डेयरी फार्मिंग का काम लोग करते हैं, थर्ड लोग मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी आपने यहाँ तक समझ लिया है, 4 प्रोफाइल्स आपके सामने होगी मिल्क में। अब मिल्क से रिलेटेड आपके सामने ये देखना है कि इस इंडस्ट्री का जो आउटलुक है, वह 80% लोग जो काम कर रहे हैं, जो मिल्क को परचेस करते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा मार्केट है। तो हम अब मार्केट इंसाइट्स को समझते हैं। मार्केट इंसाइट्स क्या कहते हैं इस बिजनेस के, वो समझिएगा। फूड इंडस्ट्री की एक सब एंटिटी इंडस्ट्री है मिल्क, जहाँ पर रॉ प्रोडक्ट आपके पास में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जो कि सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। आज आप देखेंगे
सबसे ज़्यादा खपत है आज हमारे यहाँ पर मिल्क की। तो आप एक छोटे लेवल पर आते हैं मार्केट में, किसी भी बॉटम ऑफ द फनल को भी फॉलो करते हो, अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, चाहे लास्ट स्केल से करें, मिड से करें, स्मॉल से करें, आप पैसा बनाएंगे क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली परचेस होने वाला प्रोडक्ट है। मार्केट ये कहता है कि वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट इसमें नहीं आती है। आप चाहे स्टार्टिंग में अपने कस्टमर बना रहे हैं, आप बिल्कुल नए जा रहे हैं जहाँ कस्टमर आपके पास में अभी नहीं है, तो भी आप ब्रेक इवन को क्रॉस करे बिना अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लैंड कराते हैं। तो यहाँ पर आपको मार्केट इनसाइट्स में ये समझना है कि कस्टमर्स जो है यहाँ पर मिल्क के, वो अलग अलग तरह के हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सभी लोग पैकेज मिल्क को परचेस करते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि जो एक कस्टमर अवेलेबल है आपके पास में और एक ऐसा कस्टमर है जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट परचेस करता है इसमें, यस मतलब एक तो है मासेस इसमें और एक है क्लासेस। समझते जाइएगा मासेस क्या होते हैं। मासेस वो लोग हैं जो कि 45 से 50 रुपए की रेट में मिल्क को खरीदेंगे, जिनके लिए मिल्क का वैल्यू यहीं पर है कि विदाउट फैट भी मिल रहा है, विदाउट क्रीम भी मिल रहा है, वो परचेस करेंगे, उन्हें मिल्क चाहिए। एक तो है जिसको दूध चाहिए, एक वो कस्टमर है जिसे दूध की क्वालिटी अच्छी चाहिए, जिसका परचेसिंग पावर, जिसके पास में पॉकेट में पैसा है, जो हाई फ्रिक्वेंटली परचेस कर रहा है, कहीं काऊ का मिल्क ज़्यादा बेच रहे हैं, जो देसी गाय होती है उसका मिल्क परचेस करते हैं क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा है। कई लोग वहाँ पर अपने शहरों में प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए एक रेंज डिसाइड करते हैं, और रेंज क्या होती है, अबाउ द 60 रुपीज़ पर kg। यस, वन ऑफ माई क्लाइंट राइट नाउ जो उनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है 1 लीटर का, वो अबाउ द 60-70 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 2-5 कस्टमर उनके पास में हैं, मोर देन 500 कस्टमर्स को वो रेकरिंग बिजनेस बना रहे हैं उनसे। आज 1000 से ज़्यादा मवेशी उनके पास में हैं। तो आपका बिजनेस प्रीमियम कस्टमर से भी बनता है, मासेस से भी बनता है। तो आपको कहाँ चलना चाहिए, तो समझते हैं मार्केट इनसाइट के बाद में कस्टमर के ऑलमोस्ट कंज्यूमर बिहेवियर को। मिल्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर डिसाइडर जो है वो डिसाइडर और कोई नहीं, हमारे घर में हमारी माँ होती हैं, जो ऑलमोस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट परचेस करना चाहती हैं। अगर बजट फ्रेंडली फैमिली है तो उस फैमिली में जो प्रोडक्ट परचेस होगा वो 45 से लेके 50 रुपीज़ अराउंड परचेस होगा। एक हाई क्लास फैमिली है या जहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस लोग रहते हैं, जहाँ पर डायबिटिक, शुगर पेशेंट, इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो बीमार हैं, उस तरह की फैमिली में मोस्टली प्रीमियम प्रोडक्ट परचेस हो रहे हैं। डिसाइडर कौन है कंज्यूमर की अगर साइड से देखें तो, एक हमारे घर में जो माँ हैं या फीमेल जो हैं वो डिसाइडर होते हैं इस बिजनेस में। वही लोग डिसाइड करती हैं कि क्या उन्हें परचेस करना है। तो जब कंज्यूमर आपका फीमेल है और 90% इस इंडस्ट्री में जब एक्शन टेकर हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अपना बिजनेस बनाते वक्त अपने इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ दीजिए। अभी आप अपना डेयरी फार्मिंग का प्लान है वो छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है, बिजनेस को समझना है कि बिजनेस कैसे बनेगा। तो हमने कंज्यूमर बिहेवियर समझ लिया, मार्केट साइड समझ लिए और इंडस्ट्री आउटलुक समझ लिया। अब देखते हैं इस मार्केट में प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द प्रोफाइल मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आप समझें आपको अपनी प्रोफाइल को कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले पहली प्रोफाइल को समझते हैं कि फर्स्ट लेवल पर आप डेयरी फार्मिंग से इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब डेयरी फार्मिंग में हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स कम होते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए देखो डेयरी फार्मिंग में आप काउस को परचेस करेंगे, रेंट पे जगह लेंगे, लोकेशंस को मैनेज करेंगे, लेबर्स को लाएंगे, सब चीज़ों करने में आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, मशीन्स लगाने पड़ेंगे आपको मिल्क को पैश्चराइज करने के लिए। तो एक प्रोसेस को, लंबे प्रोसेस को फॉलो करने की जगह हमें शिफ्ट होना होता है अपने बॉटम ऑफ द फनल वाले प्रोफाइल्स पर। मैं कभी भी आपको बिजनेस बनाते वक्त बड़े इन्वेस्टमेंट्स की सलाह इसके लिए नहीं देता हूँ, बिकॉज आपके पास में भी इतना नॉलेज एंड इतना मार्केट का इनसाइट्स नहीं रहता है। अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में कैसे पैसा बनेगा, आपको मैं नेक्स्ट लेवल पैसा बनाना बताऊंगा जब आप मेरे पूरे फनल को फॉलो करते हैं। तो अभी समझिए कि यहाँ पर आपको एक्शन कैसे लेना है और अपना प्रोफाइल कैसे पसंद करना है। आपके पास में कम से कम इन्वेस्टमेंट है तो आप स्टार्ट करिए बॉटम ऑफ द फनल को, जहाँ पर आप मिल्क का जो पैकेजिंग करेंगे वो प्रीमियम पैकेजिंग में लेकर आएंगे। प्रीमियम के साथ में आप वहाँ पर अपने कस्टमर का जो टारगेटिंग करेंगे वो प्रीमियम कस्टमर्स को करने वाले हैं। देखो, दो तरह से मिल्क को पैकेज करके आज के समय आप मार्केट में बेच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने पॉलीथीन दिखाई दे रही है,
और सेकंड आपको हमारी ही एक एकेडमी स्टूडेंट जिन्होंने तुलसी ब्रांड लॉन्च करा मिल्क में, वो बॉटल पैकेजिंग में अपने प्रोडक्ट्स को पैक करके आज के समय डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास में अगर पाउचेस पे जाते हैं, पैकेजिंग के मशीन लेते हैं, फिर आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आपके पास में ये सब चीज़ें करने के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, यू कैन जस्ट हिट दैट प्रोफाइल और स्टार्ट करें इस प्रोफाइल से अपना बिजनेस, जहाँ आप पॉलीथीन में लॉन्च करें। अभी आपको मैं बिजनेस भी आगे बनाना बताऊंगा कि होगा क्या है यहाँ पर। सेकंड होगा आपका बॉटल पैकेजिंग से। अब बात आ जाती है, हमारा प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया है। मैंने आपके से बोला है कि डेयरी फार्मिंग में मवेशी नहीं लगाने हैं, आपको कुछ भी काम नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, अब समझिए आपको प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल सोर्स कैसे करना है। इस पॉइंट पर देखिए, हमारे सामने कहीं ना कहीं ये चैलेंज रहेगा कि हमें मिल्क जो हमें चाहिए उसके लिए जो सोर्सिंग हमें करना है, जो कलेक्ट करना है, जो कोलैबोरेशन हमें करने हैं, उसमें कई मशीन्स भी लगेंगी, कई इक्विपमेंट का सेटअप करना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट हमें अपने बिजनेस को बनाने के लिए लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल का सोर्सिंग और देन प्रोडक्ट का सेलिंग, ये दो पार्ट होगी। और हम बीच में आकर अपने आप को रखते हुए प्रॉफिट एंड मार्जिन और अपना ब्रांड हिट करेंगे अपने मार्केट्स में। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल का सोर्सिंग होगा उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर एक तरह का एक सर्वे करना होता है कि देखिए कई जो मार्केट में जो मिल्क सप्लाई करने वाले हैं, ये बड़ी बड़ी डेयरीज फार्म में ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने मिल्क को वहाँ पर सप्लाई करते हैं, बट कई ऐसे सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, जो अभी इस सिस्टम में अपना मिल्क आगे नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको प्राइसेस कम मिलती हैं। जब प्राइसेस कम मिलती हैं और वो बल्क में परचेस करते हैं तो एक फ्रिक्वेंटली परचेस तो यूज़र है, बट आप उनको अपने यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के आपको कुछ ही समय तक सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें 15 से 20 दिन 30 दिन तक अगर 50 लीटर आपको एक शेयरिंग करने वाले रॉ मटेरियल आपका जो मिल्क, मैं रॉ मटेरियल से ही बोलूंगा, वो सोर्स करने वाले आपको मिल जाते हैं, तो आप स्टार्ट करिए लो क्वांटिटी से और मार्केट को समझना शुरू करिए। आपको जो इक्विपमेंट लगेंगे वो मैं डिकोड कर देता हूँ। तो चलिए समझते हैं मिल्क से रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में। फर्स्ट आपको चाहिए मिल्क एनालाइजर, सेकेंड आपको चाहिए डीप फ्रीजर जो कि स्टेनलेस होना चाहिए। देखिए कई लोग डीप फ्रीज़र का गलत चुनाव करते हैं और ऐसा डीप फ्रीज़र ले आते हैं जो कि आइसक्रीम्स में आपने देखा होगा, और उस तरह के डीप फ्रीज़र पर लाने पर क्या होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण मिल्क का जो क्वालिटी है वो भी बिगड़ जाता है और मिल्क जम जाता है। तो स्टेनलेस वाला जो डीप फ्रीज़र होता है, जो स्पेशली मिल्क के इंडस्ट्री को टारगेट करते हुए बना हुआ है, वो आप परचेस करते हैं। आपको अगर मैनुअली पैकेजिंग मशीन चाहिए तो वो परचेस करते हैं, इसके अलावा पाउचेस प्रिंट करवाते हैं, बट ये भी एक नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मैं मानता हूँ। तो आप क्या करते हैं, बॉटल पैकेजिंग से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, लेबलिंग बनवाते हैं, जो आपको बॉटल दिखाई दे रही हैं इस तरह की बॉटल्स आपको बनी बनाई कांच की प्लास्टिक की आपको मिलती हैं। वन टाइम आप डिलीवरी करते हैं, सेकेंड टाइम आप पिकअप करते हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊँगा कैसे इसमें बनेगा। तो यहाँ पर मिल्क एनालाइजर हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स आपके पास में हो गई, और एक से दो इक्विपमेंट आपको और लगते हैं जो कि मिल्क की ही क्वालिटी चेक करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। फिर इसके बाद में चाहिए होती है आपको बीएमसी मशीन आपके लिए चाहिए क्योंकि जो आपका मिल्क है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए, क्योंकि हीट काफ़ी रहती है, उसको ठंडा रखना पड़ेगा। फिर आपको अपने यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना होगा, इंस्टेंट तो आप मिल्क को सप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको एक बीएमसी मशीन भी लगती है। तो इस तरह से आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका 1.5 से 2 लाख रुपये का इनिशियली लेवल पर। कई मशीन्स आपको सेकेंड हैंड अवेलेबल हो जाती है जैसे कि डीप फ्रीजर्स हैं, तो यहाँ से आपका सेटअप हो जाता है। अब आ जाती है बात माल बेचने की। देखो इस इंडस्ट्री में 95% लोगों ने जो भी गिव अप करा है, जहाँ पर भी बुराई निकालते हैं, जहाँ पर भी वो फेल होकर गए हैं, बात आ गई यहाँ तक तो सबने कर लिया। बात आ जाती है सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलोअप करते वक्त। देखो अगर आप इस बिजनेस को समझोगे, इस बिजनेस में कभी भी सेल्स की दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत क्या है यहाँ पर, बिजनेस समझने के लिए वो एंटरप्रेन्योर जो सोच रखकर आ रहे हैं, इंस्टेंट पैसा कमाने वाली सोच, जल्दी से अमीर बनने वाली सोच, और इधर उधर से देख के लाखों रुपए बनाने वाली सोच, उसके कारण वो फेल होते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर से अगर आपको ट्रांजेक्शन्स कराने हैं तो मैं मॉडल आपको समझाता हूँ। ये है सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जहाँ पर फर्स्ट कस्टमर जब आपका सब्सक्राइब आपको कर लेता है, देन वो आपको रिपीट ऑर्डर देता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ।
जियो का जितने भी लोगों ने सिम कार्ड परचेस करा हुआ है, हमने क्या कर रखा है, हर 3 मंथ में हम रिचार्ज करवाते हैं और हमने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बनाएंगे अपना मिल्क इंडस्ट्री में, आप बड़ा पैसा बनाएंगे, क्योंकि वन टाइम आपका कस्टमर लाने का कॉस्ट लगा। जब आप फर्स्ट टाइम पिच करते हैं, सैंपल्स देते हैं, तब तो आपने अच्छा प्रोडक्ट देना है रिपीट कराने के लिए, बार बार वही क्वालिटी को मेंटेन करते हुए सर्विस सपोर्ट, ये फनल आपको बनाना होता है। यहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना, वो सबसे ज्यादा है और लोग इंस्टेंटली चाहते हैं पैसा बनाना, रिजेक्शंस मिलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो वो गिव अप करते हैं। तो इस बिजनेस में आपका बिजनेस बनेगा सब्सक्रिप्शन से। आपको 100 लोग ऐसे चाहिए जो आपके शहर में आपको सब्सक्राइब करते हैं। समझ पा रहे हैं बिजनेस कैसे बनेगी, जो कि आपको सब्सक्राइब करके, और 60 से 70 लोग अगर आपको रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं जो फुल टाइम आपके सब्सक्रिप्शन में है, ये लॉयल फैंस बनेंगे और यहाँ से आप बड़ा पैसा बनाएंगे। इस बिजनेस में इस तरह के सेल्स के फनल बनेंगे, मैं आपको इनडेप्थ सिखाऊंगा। जब आप मेरे पूरे फूड इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बिल्डिंग से सेल्स का फॉर्मूला तय करते हैं तो वहाँ पर आपका माइंड ओपन हो जाएगा, आपको पता चलेगा कैसे एक प्रोडक्ट से ब्रांड बन जाएगा मिल्क में और आप कैसे बड़ा पैसा बनाएंगे। इस बिज़नेस के कुछ पेन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मैं चाहता हूँ अब आपको इस बिज़नेस के कुछ डार्क साइड्स भी पता चल जाएं। फर्स्ट जो डार्क साइड है वो है सुबह उठना। क्या होता है, जब भी हम एज अ यंग एंटरप्रेन्योर आते हैं किसी भी बिज़नेस में, तो हमारी कंफर्टेबिलिटी जो होती है वो हमें किल कर देती है। और इस बिज़नेस में जो लोग फेल होते हैं वो सुबह उठकर मैनेज करना और सुबह उठकर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो काम होता है वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, चाहे बॉटल्स को ले लो या पैकेजिंग पॉलीथीन को ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोकास्टिनेशन तो सब जगह है, टालम टोल। सेकेंड होता है इसमें जो पेन पॉइंट होता है, ये मैनेजमेंट जो बैकएंड में चल रहा है, मिल्क का कलेक्शन, देन मिल्क का प्रोसेस और फिर मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पूरा सप्लाई चेन फॉलो नहीं हो पाता है। सिस्टम वर्क, पीपल फेल। आई ऑलवेज सेज इन द फूड इंडस्ट्री, अगर आप अपना बिजनेस बना रहे हैं आपको ये सिस्टम्स लगाने होंगे। अगर आप सिस्टम्स लगा देंगे तो आप बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सप्लाई चेन जिसने क्रैक कर दिया वो बिजनेस में अच्छा पैसा बनाएगा और अपने प्रीमियम प्रोडक्ट से बड़ा पैसा बनाकर अपनी लाइफ में फ्रीडम पा सकेगा। मेरा एक मिशन है फूड प्रोडक्ट्स को लेकर कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं फूड इंडस्ट्री में, मैं आपको ऑलमोस्ट सिखाऊंगा कि कैसे आपको स्टार्टिंग स्क्रैच प्रोडक्ट सिलेक्शन से प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल एक फूड प्रोडक्ट मॉडल बनाना है जो कि स्मार्ट हो। आप मेरे साथ में जुड़कर अपने बिजनेस की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हैं या नए आ रहे हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे काम करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मिल्क से रिलेटेड बिजनेस करना है, सीखना है, तो आप पहले मार्केट रिसर्च करिए, अपना प्रोफाइल सेलेक्ट करिए और अपने बिजनेस में और वो सब चीज़ें करिए जो आपको बेटर बनाए, ना कि इन्वेस्टमेंट से आप बेटर बनेंगे। सिखाइए, नॉलेज दीजिए, तब आप जाकर बिजनेस को कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।